अगर आप बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के फैन हैं और उनकी जोड़ी को पसंद करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। बता दें कि कार्तिक और कियारा की फिल्म सत्य प्रेम की कथा 29 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कार्तिक और कियारा की जोड़ी फिल्मों में दूसरी बार देख पाएंगे। इसके पहले कार्तिक और कियारा की जोड़ी फिल्म भूल भुलैया 2 में नजर आ चुकी है। बता दें कि कार्तिक और कियारा अपनी फिल्म सत्य प्रेम की कथा के प्रमोशन में जुट गए हैं। कार्तिक और कियारा ने फिल्म के लिए प्रमोशन करना शुरू कर दिया है और वे आज पहली बार अंधेरी वेस्ट स्थित सिनेपोलिस में प्रमोशन करते नजर आए हैं। तो बता दें कि फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया गया था और आज फिल्म का गाना सुन सजनी को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ट्रेलर में नजर आ रहा है कि कार्तिक अपनी शादी करने के लिए उतावले हो रहे हैं और लड़कियां ढूंढ रहे हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन समीर विध्वंस ने किया है। वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियालवाला, शरीन मंत्री और किशोर अरोरा है। आइए जानते हैं फिल्म के प्रमोशन के दौरान कार्तिक और कियारा ने क्या कहा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस डे विद अस। फाइनली वी स्टेप्ड आउट फॉर प्रमोशंस, व्हिच इज एवरीबॉडी हैज बीन आस्किंग कभी आ रहे हो, लाइक ओके इट्स टाइम नाउ। बट बिकॉज वी आर हियर, आई वुड रियली लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक सर्टेन पीपल, बिकॉज आई डोंट नो व्हेन ऑल ऑफ अस विल बी हियर। वी प्रॉबली बी हियर व्हेन वी वॉच द फिल्म। इसके बाद कार्तिक एंड आई विल बी गोइंग ऑल ओवर आई गेस, बट बिकॉज वी गॉट सच एन अमेजिंग टीम, आई हैव टू से thank you Samir sir, our director. Guys, can we hear it for our director? He's the magic that you're seeing behind all of this. So thank you sir for making this film, guiding us, directing us, because this is truly a lot of heart, sweat, everything, passion, emotion. We know as a team what's gone behind this. Our writer Karan for writing such a beautiful story. Such enthusiasm in the song also. And when the song was came out, you had the most enthusiasm. Loved it. Absolutely. And of course, our producers, Nama Pictures and Nadiyadwala Grandsons. Thank you. We've got all of them here today. So thank you for making this film. And all those who are not here, of course, Kartik, me, but our extended cast. I think this movie is truly that full family watch where every single person is so instrumental in this film. So thank you to all of them. Coming back to the songs which we're here for, how did you like? Aapko gana kaise laga? Bahusaras. Chalo, aur hamara dance kaisa laga? Best number. काफी हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने भी सच बोल दिया, तो सच बोलने के पहले सोचने का क्या। बट जैसे कियारा ने अभी बोला, मैं भी वो सेकेंड दैट एंड आई जस्ट थैंक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहला ये इवेंट किया है जो सत्य प्रेम की कथा की टीम के साथ एंड आप सबके साथ, जो हमारी एक्चुअल में एक्सटेंडेड फैमिली है एक तरीके से। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर इतनी तादाद में, जिस तरीके से इतने सारे लोग आज आए हैं यहाँ पर। सो थैंक यू फॉर द एंथुसियाज्म, इससे हमारा एक्साइटमेंट और ज्यादा दुगना हो गया। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो यहाँ पर है सब लोग। I would again say the same thing. Samir sir, thank you so much. जिस तरीके से आपने ये फिल्म में जितनी पैशन के साथ काम किया है, डायरेक्ट किया है हम सबको, और जिस तरीके से काम निकलवाया है हम सबसे, सारा क्रेडिट आपको जाता है। हम जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, या जिस तरीके के ये गाने, एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया था जब फिल्म का टीजर आया था, ट्रेलर आया था, कि
बॉलीवुड इज बैक. एक हिंदी इंडस्ट्री में जो फिल्म्स पहले बना करती थी उस तरीके का जमाना वापस आ रहा है सत्य प्रेम की कथा से. मतलब मैं ये क्रेडिट पूरा इनको देना चाहूंगा कि इन्होंने वो डायरेक्ट किए फिल्म और उसके लिए थैंक यू. शरीन, किशोर सर, साजिद सर, वर्दा, एवरीवन जिन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया और इतना एम्पावर किया जितना पावर दिया इस फिल्म को, सो थैंक यू फॉर दिस. बिकॉज ये फिल्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती अगर आप सब लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते. सो थैंक यू फॉर मेकिंग एवरी सॉन्ग एज बिग एज द अदर वन. यू नो, मतलब इससे ज़्यादा मैसिव स्केल वाले सॉन्ग मैं इमेजिन नहीं कर सकता था इस फिल्म में. हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है और आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सोना चांदी से जड़ दिया उस फिल्म को. सो थैंक यू फॉर दिस. करण हुज रिटन द फिल्म, जिन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया एक तरीके से, जिनकी लाइंस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. मतलब मैं ज़्यादा अच्छे शब्दों में थैंक नहीं कर पाऊंगा जितने शब्द तुम लिखते हो, बट थैंक यू फॉर ऑल द वर्ड्स एंड ऑल द डायलॉग बाजी इन द ट्रेलर इन द फिल्म. ये सिर्फ 5% है, 5% है जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, अभी ट्रेलर में, टीजर में. पूरी पिक्चर में बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं दिखा पा रहे, जिसका जवाब आपको 29 जून को मिलेगा. थैंक यू. ये बहुत बड़ा मोनोलॉग मैंने बोल दिया है, सॉरी, बट थैंक. हाँ, ये बहुत बड़ा करारा जवाब है, बहुत बड़ी.